Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good evening, ladies and gentlemen. How's it going there? Welcome back to another video. Today we're going to talk about the weather. आज मौसम की बात होगी कि जब कोई आपसे सवाल पूछे ना, हाउ इज द वेदर, या फिर हाउ इज द वेदर लाइक, कि मौसम आज कैसा है या बाहर मौसम कैसा है, तो उसको आप जब इंग्लिश में रिप्लाई देंगे तो कौन कौन से आपको वर्ड चाहिए होंगे उसकी आज हम बात करेंगे. ठीक है, सो हैव अ लुक ऑन देम. ब्राइट एंड सनी, इन दोनों का मतलब एक ही है कि रोशन और धूप वाला. सनी बोलते हैं धूप वाला, ब्राइट रोशन मतलब कि धूप निकली हो, मतलब क्लियर हो. क्लियर एंड फाइन, जब कोई बोले इट्स क्लियर आउटसाइड या इट्स फाइन आउटसाइड, इट मीन्स कि आसमान साफ है, कोई बादल नहीं है. ठीक है, इसका ये मतलब होता है क्लियर एंड फाइन. पार्शली क्लाउडी और पार्शली सनी मतलब कि आधा आसमान क्लियर है, कि आधी धूप है और यानी कि आधा आसमान नजर आ रहा है और आधे बादल नजर आ रहे हैं. ठीक है, क्लाउडी यानी कि बादलों वाला मौसम है आज. ओवरकास्ट कि यानी आसमान के ऊपर आपको बादल ही बादल नजर आ रहे हैं, कहीं पे भी ना आसमान की शक्ल ही नहीं नजर आ रही. ठीक है, तो ओवरकास्ट का मतलब ये होता है. ग्लूमी, ग्लूमी होता है, ग्लूमी का इटसेल्फ मतलब तो होता है उदास, लेकिन इसको मौसम से इसलिए तरजीह दी जाती है कि जब दिन का टाइम आप देख लें, आप 11 बजे यानी कि जिस वक्त यानी कि धूप होनी चाहिए, उस वक्त देखने आसमान के ऊपर बादल ही बादल है, और स्पेशली काले कलर के जो बादल होते हैं, ब्लैक कलर के, वो छाए होते हैं. दिन 11-12 बजे अंधेरे की सूरत हाल होती है, तो उस किस्म के वेदर के लिए हम बोलते हैं ग्लूमी के. उसको देखे कहते हैं यार क्या बजारगी सी हो रही है, यू नो. फॉगी, हेजी, मिस्टी, ये तीनों वर्ड यूज होते हैं धुंध के लिए. जब आसमान पे धुंध छाई हो या आगे पीछे बाहर धुंध छाई हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं ये तीनों वर्ड. फॉगी जो होता है आम धुंध होती है, हेजी वो होता है कि किसी हीट की वजह से जो धुंध होती है ना आसमान में पैदा हो जाती है, तो उसको हम फॉगी हेजी बोलते हैं. मिस्टी वो होती है जो यूजली आम तौर पर वाटर वगैरह के ऊपर, दरियाओं के ऊपर या समुद्र के ऊपर जो धुंध होती है ना, उसके लिए हम मिस्टी का लफ्ज यूज करते हैं. ठीक है, हेजी वो होती है मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे हीट की वजह से आग लगने से, या ये जो नहीं होते वो प्लांट्स वगैरह जिनकी वजह से जो स्मोक उठती है तो वो एक फॉग सी बन जाती है, उसके लिए मेरे ख्याल से हेजी यूज़ करते हैं. डैम्पी, डैम्पी मौसम होता है कि यानी कि थोड़ा गीला गीला सा, जिसके अंदर महसूस हो नमी सी महसूस हो, फॉर दैट वी यूज डैम्पी. डैम्प होता है स्लाइटली वेट. ड्रिजल, ड्रिजल होते हैं बारिश को बोलते हैं, यानी कि ड्रिजली, सॉरी ड्रिजली होती है कि यानी कि आज हल्की हल्की बारिश वाला मौसम है, ड्रिजल बोलते हैं हल्की हल्की बारिश को. ठीक है, रेनी बारिश वाला, शॉवरी, ये दोनों लफ्ज़ एक ही यूज होते हैं कि आज बारिश वाला मौसम है, रेनी एंड शॉवरी. द नेक्स्ट वी हैव पोरिंग, पोरिंग बोलते हैं तेज बारिश को, इसको डाउन पोर भी बोलते हैं, सो दिस इज पोरिंग. इसके लिए यहाँ पे एक फ्रेज एडियम यूज करते हैं यूके में, इट्स चकिंग इट डाउन, मतलब कि बहुत तेज बारिश हो रही है, चकिंग इट डाउन. कोल्ड, चिली, दोनों वर्ड का मतलब एक ही है. कोल्ड तो सर्द होता है, आपको पता ही है, चिली भी सर्द मौसम को बोलते हैं कि भाई सर्द मौसम आ गया, गेट योर जम्पर्स आउट, गेट योर स्वेटशर्ट्स आउट. ठीक है, फ्रॉस्टी एंड फ्रीजी, फ्रॉस्टी वो होता है कि ना जिसपे फ्रॉस्ट बेसिकली बोलते हैं कोरे को, अगर आपने ये पंजाबी में वर्ड सुना हो, अगर आपको बेहतर इसके समझ मिसाले आएगी कि सुबह सुबह अगर आप उठें सर्दियों में, तो आप घास फूस को देखें ना, उसके ऊपर सफेदी सफेदी सी एक लेयर जमी होती है बर्फ की, कोरा हम उसको बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में. सो लाइट लेयर ऑफ द आइस ऑन द ग्रास इज कॉल्ड फ्रॉस्ट, वो फ्रॉस्ट होती है. ठीक है, फ्रीजिंग या फ्रीजी, ये वो मौसम होता है कि जिसमें यानी कि आप कह लो कि बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो 0 सेल्सियस से नीचे चला जाता है, 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, वो फ्रीजिंग होता है, बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है, तो वी कॉल इट फ्रीजिंग या इट्स फ्रीजी. हेलिंग एंड स्लीटिंग, हेलिंग बोलते हैं ओले जो होती है ना, साला बारी, ओले जो होते हैं, ओले मिसाल तौर पर आपने देखा होगा जब बारिश हो रही होती है, बारिश के अंदर वो हल्की हल्के से बर्फ के जो टुकड़े गिरते हैं, हम पंजाबी में इसे एंड बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों को ये वर्ड कभी सुनाई दिया होगा कि नहीं, एंड, पर उनको बोलते हैं हेल जो होते हैं बर्फ के छोटे छोटे से टुकड़े. तो स्लीट, स्लीट वो होता है कि ये भी मिलता जुलता लफ्ज ही है, लेकिन ये जो फ्रोजन बारिश होती है ना, पानी जिसमें पानी भी मिक्स होता है बारिश के अंदर, ये वो चीज़ है. तो आई वुड से हेलिंग एंड स्लीटिंग आर द सेम वर्ड्स, ओले वाली बारिश. ठीक है, ब्लिजर्डिंग, बर्फानी और तेज हवाओं का तूफान.
आपने अक्सर देखा होगा जिन मुल्कों के अंदर बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है ना, लाइक साइबेरिया, कनाडा एंड कंट्रीज लाइक दिस, वेयर द सर्दी इंतहाई अरूज पे होती है, -50, -40, जब ये -30, जब वहाँ पे तूफान आता है तेज़ हवाओं का, तो उसमें बर्फ़ भी आगे पीछे ना ऐसे उड़ती नजर आती है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ब्लिजर्टिंग। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव विंडी एंड ब्रीजिंग। विंडी होता है, समवन सेज़ टू यू इट्स विंडी आउटसाइड, मीन्स कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं बाहर, मौसम विंडी है। ब्रीजिंग ये थोड़ी सी नर्म सी जेंटल सी हवा होती है, फॉर एग्जाम्पल जब गर्मियों के अंदर ठंडी सी हवा चलती है ना तो गर्म इलाकों में, तो कितना मज़ा आता है, सो फॉर दैट हम यूज़ करते हैं ब्रीजिंग। ब्रीजिंग नर्म और जेंटल हवा, जेंटल हवा। गेल एंड स्टॉर्मी। आप हम लोगों ने ये वर्ड बहुत यूज़ किया है अपनी लैंग्वेज, उर्दू में आंधी तूफान, या पंजाबी में नेरी चक्खड़, जखड़ भी बोलते हैं उर्दू में इसको, तो उसके लिए हम राइट वर्ड यूज़ करेंगे गेल। इट्स गेल ऑफ विंड्स, मतलब के नेरी चक्खड़ है बाहर, आंधी है। स्टॉर्मी मतलब के तूफान वाला मौसम है। वार्म, वार्म होता है कि थोड़ा सा गर्म मौसम होता है, यानी कि अच्छा होता है उसमें, इतना यानी कि गर्मी नहीं लगती, नाइस होता है। सर्दियों में थोड़ा थोड़ा सा गर्म होना इट्स रियली रियली नाइस। हॉट, हॉट जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ये वार्म से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, गर्म मौसम को बोलते हैं। हॉट की जगह लोग ये एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, स्वेल्ट्रिंग, स्वेल्ट्रिंग या बॉइलिंग, बॉइलिंग या फिर स्कॉर्चिंग। स्वेल्ट्रिंग, बॉइलिंग, स्कॉर्चिंग तीनों का वर्ड मतलब यही है कि एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म। सो ये कुछ एडजेक्टिव थे आपके सामने, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कि मौसम कैसा है, हाउ इज़ द वेदर, हाउ इज़ द वेदर लाइक। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ वीडियो, इंशाल्लाह ताला सी यू अनदर वीडियो, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।